ये क्या होता है एंड ये इसको किसने दिया था, जो कार्नो साइकिल है उसको फ्रेंच साइंटिस्ट ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें एक पिस्टन लेते हैं, पिस्टन जो कैसा होता है सिलेंड्रिकल होता है, उसमें 1 मोल आइडल गैस भर दी जाती है और उसमें डिफरेंट 4 ऑपरेशन या प्रोसेसेस किए जाते हैं। उसके बाद 4 डिफरेंट ऑपरेशन के बाद जो गैस होती है वापस अपनी आइडियल स्टेट में आ जाती है। इसमें इतने 4 डिफरेंट प्रोसेस यूज किए जाते हैं और इसमें क्या होता है, जो हीट को वर्क में चेंज करने के लिए या फिर इसके एस्टीमेशन करने के लिए कार्नो साइकिल का यूज किया जाता है। तो ये है कार्नो साइकिल। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिफरेंट 4 A B C D, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं एंड यहाँ पे फिनिश होते हैं और यहाँ पे आपको आइडियल गैस वापस मिल जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी, तो देखते हैं कार्नो साइकिल, ये फ्रेंच साइंटिस्ट कार्नोट ने दी थी। इनके अनुसार क्या है, जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए या फिर इसके एस्टीमेशन में कार्नो साइकिल का यूज किया जाता है, जिसमें एक आइडियल गैस डिफरेंट प्रोसेस के बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में समझा ही दिया है कि इसमें डिफरेंट प्रोसेस के बाद जो ओरिजिनल गैस, जो आइडियल गैस भरी जाती है वह अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती है। माना किसी आइडियल गैस का 1 मोल फ्रैक्शनल लेस पिस्टन वाले सिलेंड्रिकल में भरी जाती है। माना कि जो किसी आइडियल गैस का 1 मोल किसी पिस्टन में भरी जाती है, जो पिस्टन कैसा है सिलेंड्रिकल है। इस गैस पर 4 डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं। जो ये गैस भरी जाती है जिस पिस्टन में, उस पर 4 ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं जिससे यह गैस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती है। इन स्टेप्स को करने के बाद, 4 डिफरेंट स्टेप को करने के बाद, जो गैस है वो अपनी वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। इतना प्रोसेस हमें करना है इस कार्नो साइकिल में। तो देखते हैं, तो देखिए ये डायग्राम है, मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। ऊपर की तरफ यहाँ पे प्रेशर है एंड इस साइड ये क्या है, वॉल्यूम है। और ये एक पिस्टन है, यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑपरेशन लगाए गए हैं, A B C D। तो यहाँ पे जो ए, जब ए है पोजिशन, तो वहां पे इसका प्रेशर कितना है, V1 एंड P1 है। बी पर प्रेशर और वॉल्यूम कितना है, B2 P2। सी पर B3 एंड P3 और डी पर B4 एंड P4। जब यहाँ से जो हीट है, तो हीट कितनी होती है यहाँ पे, Q2, और टेम्परेचर कितना होता है, T2। एंड जो सी से डी की तरफ जाता है तो कितना होता है, हीट Q1 एंड टेम्परेचर T1। तो देखते हैं इसके 4 स्टेप्स। इसकी स्टेप 1 क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। जो फर्स्ट स्टेप क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, T2 टेम्परेचर पर गैस को एक्सपेंड किया जाता है, गैस को आगे भेजा जाता है T2 टेम्परेचर पर, जिससे गैस का वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है। यह है प्रोसेस कर्व AV द्वारा शो किया गया है। जो यहाँ पे, जैसा कि ये डायग्राम में देखें आप, यहाँ पे ये जो कर्व AV है, यहाँ पे क्या होता है, T2 टेम्परेचर पर जो गैस को होता है वो आगे भेजी जाती है B की तरफ। तो यहाँ पे जो उसका B1 कितना था, A पर B1 एंड P1, T2 टेम्परेचर पर जब भेजी जाती है गैस आगे, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना हो जाता है, यहाँ पे B1 से B2 में चेंज हो जाता है, और प्रेशर P1 से P2, और यहाँ पे हीट कितनी होती है, Q2 हीट होती है। तो यही क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सप्रेशन, ये AV कर्व के द्वारा शो किया गया है। तो आप समझ चुके होंगे, तो यहाँ पे आपने देखा कि AB कर्व द्वारा शो किया जाता है फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको पता होना चाहिए, जो डेल ई होती है वो क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। चूंकि डेल ई को डेल यू भी लिख सकते हैं, क्या होता है, जो डेल ई होती है उसको डेल यू भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, क्यू इज इक्वल डेल यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे चूंकि आपने ऊपर देखा है कि डेल ई या फिर डेल यू इज इक्वल क्या है, 0 है, तो क्यू इज इक्वल 0 रखेंगे प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्यू इज इक्वल डब्ल्यू मिल जाएगा आपको, चूंकि यहाँ पे जो हीट कितनी थी, Q2 थी, तो Q2 इज इक्वल कितना, वर्क कौन सा निकाल रहा है, फर्स्ट स्टेप है तो पहला ही वर्क निकलेगा, तो W इज इक्वल क्या लेंगे, W1। और हीट कितनी है यहाँ पे, Q2 है, तो Q2 इज इक्वल W1। चूंकि जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, RT2 log V2 अपॉन V1, चूंकि B1 से B2 वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो log B2 अपॉन V1। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा Q2 इज इक्वल क्यों लिया है, Q2 क्योंकि Q2 हीट है, W1 फर्स्ट वर्क निकाल रहे हैं, W1 इज इक्वल RT2 इन B2 माइनस B1। सेकेंड स्टेप देखते हैं, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो गैस होती है उसको बी से सी तक वॉल्यूम, B2 से B3 तक एक्सपेंड किया जाता है, मींस आगे गैस को पहुंचाया जाता है। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप जानते हैं क्यू इज इक्वल क्या होता है, 0 होता है। जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसके लिए क्या होती है, हीट क्या होती है, 0 होती है। तो डायग्राम में देखते हैं, देखिए इसमें बी से सी तक यहाँ पे गैस को एक्सपेंड किया जाता है और वॉल्यूम कितना है, B2 से B3 चेंज हो रहा है। तो बस यही प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाना है, और ये जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। तो आप जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, जो हीट होती है क्यों होती है, वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो देखते हैं,
फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, क्यू इज इक्वल डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। चूंकि क्यू इज इक्वल यहाँ पे क्या माना है, जीरो माना है, क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो जीरो इज इक्वल डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, डब्ल्यू टू इज इक्वल माइनस डेल्टा ई। यहाँ पे डब्ल्यू टू इसलिए निकाले क्योंकि सेकंड स्टेप है और यहाँ पे डब्ल्यू टू सेकंड वर्क निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यू टू इज इक्वल क्या आएगा, माइनस डेल्टा ई। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन से, जो मोलर हीट कैपेसिटी सी बीजिकल क्या होता है, डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये क्या होता है, सी बीजिकल डेल ई अपॉन डेल टी ब्रेकेट वी, क्योंकि बी क्या कराता है यहाँ पे शो करता है कि ये वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से क्या करेंगे, डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा ई की वैल्यू देखिए क्या आती है, यहाँ पे डेल्टा इजिकल आएगा सी वी इंटू डेल्टा टी, जो यहाँ पे क्या होगा डेल्टा टी, इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगी, डेल्टा इज इक्वल सी वी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से डब्ल्यू टू में जो डेल्टा ई की वैल्यू ये पुट करेंगे यहाँ पे, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू टू इज इक्वल आएगा आपका माइनस सी वी डेल्टा टी, चूंकि यहाँ पे माइनस डेल्टा ई था तो माइनस आ गया है यहाँ पे। डब्ल्यू टू इज इक्वल क्या आ जाएगा, जो डेल्टा है टी है ये क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, टी वन माइनस टी टू। तो डब्ल्यू टू इज इक्वल आएगा माइनस सी वी ब्रेकेट टी वन माइनस टी टू। डब्ल्यू टू इज इक्वल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो माइनस है इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंदर आ जाएगा ये सी बी ब्रेकेट टी टू माइनस टी वन। इसको इक्वेशन टू फाइंड करेंगे, यहाँ पे दे देंगे नेम और ये आपके सेकंड स्टेप कंप्लीट होती है। कौन सी स्टेप कंप्लीट हुई, आपकी एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, आपको ये समझ आ गई होगी कि यहाँ पे डब्ल्यू टू क्यों लिया है। डब्ल्यू टू यहाँ पे सेकंड वर्क निकाल रहे हैं और ये जो डेल्टा टी है ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो इसको किससे लिखेंगे, टी वन माइनस टी टू से। तो ये आपकी सेकंड स्टेप कंप्लीट होती है। थर्ड स्टेप है आपकी आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। थर्ड स्टेप क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो गैस सी से डी तक कंप्रेस्ड हो जाती है, जो गैस है वो सी से डी तक पहुंच जाती है, जिसमें वॉल्यूम बी थ्री से बी फोर हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो बी थ्री से बी फोर में चेंज हो जाता है। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप जानते हैं, इसमें क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल जीरो होता है। सबसे पहले डायग्राम में देखते हैं, देखिए इसमें जो C से D तक गैस कंप्रेस्ड हो रही है, ये कौन सी स्टेप में आ रहा है, थर्ड स्टेप में आ रहा है। इसमें हीट क्या है, Q1 है और जो टेम्परेचर है वो क्या है, T1 है। ये जो प्रोसेस है ये फर्स्ट स्टेप की तरह सेम होगा, बस इसमें जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा और टेम्परेचर चेंज होगी, एंड जो प्रोसेस है वो फर्स्ट स्टेप की तरह करेंगे। तो करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता ही है कि डेल्टा इज इक्वल जीरो लेंगे। नाउ सेम प्रोसेस की, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ क्या होता है, क्यू इज इक्वल डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू जीरो है तो जीरो पुट करेंगे क्या आएगा, क्यू इज इक्वल डब्ल्यू। चूंकि थर्ड स्टेप है तीसरा वर्क निकालेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू थ्री इज इक्वल क्या आएगा, क्यू वन। क्यू वन क्यों आया, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हीट जो है वो क्यू वन ले रहे हैं और टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, टी वन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू वन इज इक्वल आर टी वन माइन इन लॉग बी फोर अपॉन बी थ्री। क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बी थ्री से बी फोर भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, टी वन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल क्यू वन इज इक्वल आर टी वन लॉग वी फोर अपॉन बी थ्री। जो आई है ये एल है, एल एन इसको क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि यहाँ पे डब्ल्यू थ्री क्यों लिया है, क्योंकि थर्ड स्टेप में निकाल रहे हैं, थर्ड तीसरा बात निकाल रहे हैं और क्यू वन यहाँ पे हीट, क्यू वन है इस प्रोसेस में, तो यहाँ पे डब्ल्यू थ्री इज इक्वल क्यू वन इज इक्वल आर टी वन लॉग वी फोर अपॉन बी थ्री आएगा। तो ये आपकी थर्ड स्टेप कंप्लीट होती है। इसमें थोड़ा बच्चा है वो देखते हैं, सिंस गैस कंप्रेस्ड होती है और इस प्रोसेस में टी वन टेम्परेचर पर हीट को ठंडे रिजर्वोयर में ट्रांसफर किया जाता है, ठंडे मतलब रिजर्वोयर में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, चूंकि माइनस क्यू वन इज इक्वल डब्ल्यू थ्री, जो क्यू वन लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस क्या लेंगे, तो माइनस क्यू वन इज इक्वल डब्ल्यू थ्री इज इक्वल आर टी वन लॉग बी फोर अपॉन बी थ्री। तो यहाँ पे डब्ल्यू थ्री इज इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, आर टी वन लॉग बी फोर अपॉन बी थ्री, एंड ये नेगेटिव साइन देखिए आप कैसे आएगा, जो लॉग बी फोर अपॉन बी थ्री था इसको पलट दिया है, बी फोर अपॉन बी थ्री कर दिया है, माइनस कॉमन कर लिया, लॉग में ही होता है, अगर उल्टा करो तो नेगेटिव आ जाता है। तो वी थ्री इज इक्वल माइनस आर टी वन लॉग बी थ्री अपॉन बी फोर, ये इक्वेशन मानेंगे थ्री। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपकी लास्ट स्टेप है एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। इसमें देखते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है जो हीट होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू इज इक्वल डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, तो जीरो इज इक्वल डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, जीरो कैसे आया आपको पता होगा, क्योंकि वैल्यू रख दी है जीरो तो डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू फोर इज इक्वल क्या जाएगा, माइनस डेल्टा ई, चूंकि चौथी स्टेप है तो डब्ल्यू फोर आएगा यहाँ पे फोर्थ वर्क, तो डब्ल्यू फोर इज इक्वल क्या जाएगा, माइनस डेल्टा ई। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन से, जो आपने सेकेंड स्टेप में किया था सेम आपको वही यहाँ पे करना है, चूंकि ये आइडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन है।
तो देखते हैं सीवी इक्वल क्या होता है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यहां से आप क्या करेंगे, डेल्टा ई की वैल्यू निकालेंगे जैसे लास्ट सेकंड स्टेप में निकाली थी। सीवी इक्वल क्या, डेल्टा ई इक्वल क्या आ जाएगा, सीवी डेल्टा टी। जो पुट करेंगे इसमें डब्ल्यू फोर इज इक्वल, आपको दिख रहा होगा डब्ल्यू फोर इज इक्वल माइनस डेल्टा ई में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू फोर इज इक्वल आएगा आपका माइनस सी वी इंटू डेल्टा टी। चूंकि जो डेल्टा टी है वो आपका क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो यहाँ पे डब्ल्यू फोर इज इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस सी वी डेल्टा टी का जगह पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे टी टू माइनस टी वन। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, फोर इक्वेशन नेम दे देंगे। अब देखते हैं, हेंस टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस, टोटल साइक्लिक प्रोसेस में जितना वर्क डन किया गया है वो, तो W इक्वल क्या है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, क्योंकि चार स्टेप में इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो चार वर्क यहाँ पे में फाइंड हुए हैं। अब क्या करेंगे, जो W1 W2 W3 की वैल्यू फाइंड की है वो यहाँ पे पुट करेंगे एंड यहाँ से हमें फाइनल W प्राप्त होगा। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए, W इज इक्वल आर टी टू लॉग वी टू पॉइंट वी वन, ये किसकी वैल्यू है, W1 की। सी वी बेरे टी टू माइनस टी वन, ये किसकी वैल्यू है आपकी, W2 की। माइनस आर टी वन लॉग वी थ्री अपॉन वी फोर, ये किसकी वैल्यू है आपकी, W3 की। एंड माइनस सी वी टी टू माइनस टी वन, ये किसकी वैल्यू है, सी फोर डब्ल्यू फोर की। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये एंड ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो इनको कैंसिल कर देंगे तो W इक्वल क्या बचेगा आपके पास, आर टी टू लॉग वी टू अपॉन वी वन माइनस आर टी वन लॉग वी थ्री अपॉन वी फोर। इसको इक्वेशन फाइव नेम दे देंगे। अब देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में देखते हैं, वी नो दैट टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल क्या होता है, क्या होगा, बी फोर अपॉन वी वन की पावर गामा माइनस वन। चूंकि ये किसके लिए ले रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप के लिए रहे हैं, इसमें क्या है, इन स्टेप में जो वॉल्यूम है वी वन और वी फोर है, तो ये जानते हैं कि टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल क्या होता है, वी फोर अपॉन वी वन की पावर गामा माइनस वन। इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन सिक्स नेम दे देंगे। नेक्स्ट देखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ स्टेप के लिए, इन स्टेप में जो वॉल्यूम था वी टू और वी थ्री था, तो टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल क्या होगा, वी थ्री अपॉन वी टू की पावर गामा माइनस वन। इसको इक्वेशन सेवन नेम दे देंगे। अब क्या करेंगे, जो फ्रॉम इक्वेशन सिक्स एंड सेवन, जो इक्वेशन सिक्स एंड सेवन यहाँ पे हमने कंसिडर किए हैं, मानी है, इनको इक्वल रखेंगे। तो इक्वल रखने पे आप देखेंगे जो गामा है ये गामा माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, वी फोर अपॉन वी वन इज इक्वल वी थ्री अपॉन वी टू। क्या बचा है, वी फोर अपॉन वी वन इज इक्वल वी थ्री अपॉन वी टू। यहाँ पे क्या किया है, जो बी टू है वो यहाँ पे पहुंचा दिया और वी फोर को यहाँ पे लेकर आए, तो क्या आ गया है, बी टू अपॉन वी वन इज इक्वल बी थ्री अपॉन वी फोर। चूंकि यहाँ से हमें क्या फाइंड करना था, बी थ्री अपॉन वी फोर की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसके लिए इतना प्रोसेस यहाँ पे किया गया है। तो देखिए आप यहाँ से आपको क्या फाइंड मिल गया है, आपको मिल गया है बी थ्री अपॉन वी फोर की वैल्यू क्या मिली है, बी टू अपॉन वी वन। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फाइव, जो इक्वेशन फाइव मानी थी उसमें वैल्यू पुट करेंगे किसकी, बी थ्री अपॉन वी फोर की। इक्वेशन फाइव क्या थी, देखिए आप, ये है आपकी इक्वेशन फाइव। यहाँ पे क्या करेंगे, बी थ्री अपॉन वी फोर है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या रखेंगे बी थ्री अपॉन वी फोर की जगह पे, बी टू अपॉन वी वन। तो देखते हैं यहाँ पे W इज इक्वल आर टी टू लॉग बी टू अपॉन वी वन माइनस आर टी वन लॉग वी टू अपॉन वी वन। वी थ्री अपॉन वी फोर की वैल्यू क्या रखती है, वी टू अपॉन वी वन। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा आर टी आर बी टू अपॉन वी वन ये कॉमन मिल रहा है, आर लॉग वी टू अपॉन वी वन आपको यहाँ से कॉमन मिल रहा है, तो ये कॉमन कर लिए, क्या बचेगा, W इज इक्वल आर लॉग वी टू अपॉन वी वन टी टू माइनस टी वन। तो आपको क्या मिल जाएगा, W या फिर Q इज इक्वल आर लॉग वी टू अपॉन वी वन टी टू माइनस टी वन। तो ये आपको एक फाइनल इक्वेशन मिल गई, W इज इक्वल हेंस टोटल वर्क डन एंड टोटल हीट इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल। जो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें जो टोटल वर्क होता है या फिर एंड टोटल हीट जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये क्या था आपका कार्नो साइकिल।